क्या ये हिंदू कभी साथ नहीं चल पाते, मतलब क्या चार हिंदू कभी साथ नहीं चल पाते? तो वो जवाब देता है कि चलते हैं ना, चार हिंदू तब साथ चलते हैं जब उनके कंधे पे पांचवा। आज हम देखने जा रहे हैं भैया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर बनी हुई मूवी सम्राट पृथ्वीराज। इस मूवी में मतलब इस मूवी को हम लोग इस तरीके से देखने जा रहे हैं कि चलिए ठीक है पीछे छोड़ देते हैं कि बॉलीवुड ने पीछे जो भी कुछ इतिहास की मूवीज में गलतियां करी हैं उन सभी को पीछे छोड़ते हुए मूवी देखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जानने की कि भैया इस मूवी में कितना सही तरीके से चीजों का आकलन किया गया है या नहीं किया गया है। क्योंकि ये मूवी ऐसे समय में आ रही है जब बॉलीवुड के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में इस मूवी के ऊपर काफी सारी चीजें दांव पे लगी हुई। साथ ही साथ इसकी टक्कर होने वाली है कमल हसन की कमबैक मूवी विक्रम से और मेजर उन्नी कृष्णन के ऊपर बनी हुई मूवी मेजर से। अब ये दो मूवीज के सामने सम्राट पृथ्वीराज कैसा परफॉर्म करती है ये आने वाले दो दिन मतलब शुक्रवार और शनिवार को इस मूवी को लेकर जो भी मॉब पब्लिसिटी होगी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आज की डेट में पब्लिक मॉब पब्लिसिटी देखकर ही मूवी देखने जाती है। तो पहले मूवी देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इस मूवी के बारे में कि मूवी कैसी है। यकीन नहीं मानोगे आप, सुबह के ये 9 बज रहे हैं, थिएटर पूरा खाली पड़ा हुआ है। मतलब इतना खाली थिएटर मैंने कब से काफ़ी समय से नहीं देखा, नहीं तो सुबह के शो में अमूमन लोग आ ही जाते हैं। यहाँ पे देखो मतलब पूरा थिएटर खाली पड़ा है, कार के नाम पे तो मेरी गाड़ी ही पहली लगी है। क्या ही बोलो, मतलब बॉलीवुड की ऐसी परफॉर्मेंस रही तो क्या ही होगा। चलिए देखते हैं मूवी कैसी निकलती है। मतलब ऐसे मॉल के अंदर आप रात में आ जाओ, पूरी कॉन्जरिंग एनाबेल सारी फीलिंग्स आ जाएंगी आपको। मतलब देखो खाली पड़ा है यार मॉल, खाली। क्या होने वाला है पृथ्वीराज का? एस्केलेटर तक चालू नहीं है, सुबह सुबह सीढ़ियाँ चढ़वा दी हमको। मूवी में इंटरवल हुआ है और यार क्या तो मूवी है, मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे यार, बहुत सही मूवी है। वैसे तो इस मूवी में इतने सारे डायलॉग्स हैं जो आपको गूज़बम्प्स दे सकते हैं, लेकिन एक डायलॉग है जो कि आज की हकीकत को ही बयां करता है। जब जयचंद की धोखेबाजी का किस्सा गौरी तक पहुंचता है, तब गौरी अपने एक लड़के से बोलता है, उसके साथ जो रहता है उससे बोलता है, क्या ये हिंदू कभी साथ नहीं चल पाते, मतलब क्या चार हिंदू कभी साथ नहीं चल पाते? तो वो जवाब देता है कि चलते हैं ना, चार हिंदू तब साथ चलते हैं जब उनके कंधे पे पांचवा। मतलब ये जो डायलॉग था ये आज की स्थिति को बयां करता है। तो देखिए मूवी ऑल इन ऑल बहुत अच्छी है, काफी अच्छी लगी। मतलब आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखिएगा कि ये एक अडेप्टेशन है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इतिहास की जो बातें आपको आज तक पता थी उससे कुछ ना कुछ अलग हो, लेकिन ऑल इन ऑल जो एक शौर्य दिखाया जाना चाहिए था, एक सम्राट की वीरता को दिखाया जाना चाहिए था, वो सब कुछ इसमें दिखाया गया है। जौहर को भी इसमें दिखाया गया है। कई लोग इसमें पद्मावत में जो जौहर हुआ था उससे भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो यार देखो वो अलग था ये अलग था, तो यहाँ पर भी हम अलग अलग बातें कर सकते हैं, लेकिन ऑल इन ऑल ये मूवी बहुत अच्छी है। एक्टिंग की बात करें तो अक्षय कुमार की जितनी ट्रोलिंग हुई थी ट्रेलर के सामने आने के बाद, मतलब आप मूवी को देखेंगे ना तो आप उस ट्रेलर को भूल जाएंगे। मतलब वो ट्रेलर वाकई में ट्रेलर था सही मायनों में, मैं यही कहूँगा। इसके अलावा सोनू सूद में इसने चंद्रबाई का बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इसके अलावा जिसने गौरी का रोल प्ले किया मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसने भी जो एक ठहराव दिखाया जाना चाहिए था उस किरदार में वो दिखाया है। इसके अलावा संजय दत्त का भी किरदार काफ़ी अच्छा है। मतलब ऑल इन ऑल सभी ने अपने रोल के साथ जस्टिफाई किया है। इसके अलावा जो हम लोग बचपन से कहानी सुनते हुए बड़े हुए हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया था, उनकी आँखें फोड़ दी गई थी, उसके बाद उन्होंने शब्द सुनकर शब्द भेदी बाण चलाकर उन्होंने गौरी को मारा था, वो चीज़ भी इस मूवी में दिखाई गई है जो कि वाकई में बहुत अच्छी है। अब इससे ज़्यादा अगर मैं आपको बातें बताऊंगा तो कहीं ना कहीं ये मूवी के लिए एक स्पॉइलर हो जाएगा। इसके अलावा गानों की अगर हम बात करें तो हाँ एक गाना था जिसमें कि जब शादी होती है पृथ्वीराज चौहान की, तब वो गाना जो आया उस गाने ने मुझे वो गजनी के गुजारिश गाने की याद दिला दी। मतलब वो गाना मुझे वहाँ पर कोई बिल्कुल ज़रूरी नहीं लगा, मतलब वहाँ पर वो गाना नहीं भी होता तो चलता। अपार्ट फ्रॉम दैट जौहर के ठीक पहले का जो गाना था उसमें जो डांस डाल दिया गया वो डांस भी मैच होता हुआ ऐसा लगा नहीं, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जो मूड था उस समय का उसके साथ बिल्कुल भी मैच हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूजिक बहुत अच्छा है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है काफ़ी अच्छा है। गाने जो इस मूवी की थीम के साथ मैच कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। बाकी जो मैंने आपको दो बताए उनमें इतना मुझे कोई खास मुझे पर्सनली मज़ा नहीं आया। और अगर हम बात करें इस मूवी के बारे में तो यार मैं सिर्फ तारीफ ही करूँगा, मैं कोई नेगेटिव पॉइंट्स इस मूवी के बारे में नहीं दूंगा, क्योंकि ये मूवी वाकई में सभी को देखनी चाहिए। मध्य प्रदेश यूपी उत्तराखंड में से खबरें आई हैं कि भैया इस मूवी को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी को देखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार जो एक प्रमोशन के जरिए द कश्मीर फाइल्स जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंत्रियों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाए जाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मूवी हो सकता है कि काफ़ी अच्छा रन लेके जाए।
और जिसकी अभी तक इंतजार हो रहा था कि भाई एक हिंदी पट्टी से कोई या किसी मूवी निकल कर आए जो कि अच्छे खासे पैसे कमाए, तो हो सकता है ये वो मूवी हो, क्योंकि इसकी काफी जरूरत है इस समय, जिस तरह का माहौल इस समय है तो बॉलीवुड को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, और बॉलीवुड को ऑक्सीजन देने का काम ये मूवी बिल्कुल कर सकती है और उसको करना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो आज के समय में एक मूवी को हिट कराने के लिए जरूरी हैं। जिस तरीके से पूरे देश में भी माहौल बना हुआ है, उस माहौल में पृथ्वीराज का रिलीज होना वाकई में एक बहुत अच्छी बात है, और ये मूवी मतलब आपको बता के जाएगी क्यों हमको हमारे हिंदू सम्राटों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि भाई जल्द से जल्द महाराज छत्रपति शिवाजी के ऊपर भी एक ऐसी ही मूवी बनेगी जिसमें कि उनके ग्रैंड जो उनका पूरा अवतार था उसको दिखाया जाएगा, और उम्मीद करूंगा कि उसमें शरद केलकर जी को लिया जाए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से अदाकारी करी थी तानाजी में भी उनके किरदार की। इसके अलावा और अगर हम बात करें इस मूवी के बारे में, तो एक्टिंग का हमने देख लिया, बैकग्राउंड म्यूजिक का हमने देख लिया, प्रमोशन के बारे में हमने बात कर ली, कहानी के बारे में जरूर ऐसा है कि कुछ लोगों को यहाँ पर इफ एंड बट हो सकता है कि यार ये क्या हो गया, यार ऐसा तो था नहीं, ये सब बातें आ सकती है, लेकिन देखिए आप एक मूवी को देखने जा रहे हैं, आप उसको मूवी की तरह ही देखें, इससे ज्यादा नहीं, और ये कहानी में अपने आप को ढलते हुए देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट जरूर मिल जाएंगे, लेकिन आज इस मूवी की पता नहीं क्यों देखने के बाद बुराई करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, क्योंकि वाकई में उस मूवी ने मुझको पूरे टाइम बांध के रखा। जो फर्स्ट हाफ था इस मूवी का वो तो वाकई में बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार था। सेकंड हाफ में जरूर मूवी थोड़ी सी स्लो हुई क्योंकि उसके बाद अंजाम तक हम पहुंचने लगे थे। अच्छा, अंजाम से याद आया कि भाई मेरी बोली में तो उर्दू शब्द इसलिए क्योंकि हम भोपाल में रहते हैं, लेकिन इस मूवी में गुस्ताखी शब्द का उपयोग इतनी बार हुआ, मतलब एक हिंदू सम्राट के घर में गुस्ताखी शब्द का उपयोग कहीं ना कहीं मुझे गलत लगता है, क्योंकि उसकी जगह पे क्षमा यूज किया जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हो सकता है मेकर्स ने कुछ और सोचा होगा। तो अगर आप ये मूवी देखने जाने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल जाइए, फैमिली के साथ जाइए, आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगने वाली है। बाकी आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आप भी रिव्यू में जाके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।